name. In previous lecture, I have explained washing soda, baking soda, caustic soda. Now, in this lecture, I will explain here bleaching powder. Bleaching powder. बेटा ब्लीचिंग पाउडर देखिए क्या है. इट इज अ केमिकल कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड टू ब्लीच या इन ब्लीचिंग पर्पस इन ब्लीचिंग. इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग करने में किया जाता है. आप कलरफुल थिंग्स की ब्लीचिंग करने में इसका यूज किया जाता है. देखिए होता क्या है, कोई भी कलरफुल थिंग है ठीक है, उसमें अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को ऐड कर देंगे तो बेटा वो कलर लेस हो जाएगी ठीक है. इसी प्रोसेस को कहते हैं ब्लीचिंग. ओके अब बेटा नेक्स्ट है, इट्स केमिकल फार्मूला है CaOCl2. ओके केमिकल नेम इसका जो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ठीक है. नेक्स्ट इसमें बेटा कैसे इसे बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो बेटा इसको बनाने का जो वे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे स्लैग लाइम कह सकते हैं आप. जब इसमें बेटा Cl2 गैस पास करेंगे, स्लैग लाइम से जब Cl2 गैस पास करेंगे तब क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा ठीक है. और बनेगी क्या बेटा, वाटर ठीक है. तो इसमें वी कैन प्रिपेयर द ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट है बेटा इसका इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज. ओके तो पहली प्रॉपर्टी है इट इज येलोइश वाइट पाउडर. नेक्स्ट है इट प्रोड्यूस स्मेल ऑफ क्लोरीन. ये हमेशा कैसी स्मेल प्रोड्यूस करता रहता है. नंबर थर्ड है बेटा इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग करने पे ये डिकम्पोज हो जाएगा. CaOCl2 बेटा जब हीट करेंगे तो CaO और Cl2 गैस अलग हो जाएगी ठीक है. तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट इसमें एक चीज आपको और बता रहा हूं, देखिए कि यूजेस क्या है इसके. तो पहला यूज है इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट. ओके डिसइंफेक्टेंट का मतलब है जर्म्स को किल करने में इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से डिकम्पोजिशन के बाद Cl2 गैस रिलीज होती है. ये Cl2 गैस जर्म्स को किल करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग. ये ब्लीचिंग में इस्तेमाल की जाती है बिकॉज बेटा जो इसमें Cl2 गैस है, ये Cl2 गैस जो है किसी भी कलरफुल
सबस्टांस को रिटर्न कलरलेस में, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे इस कलरफुल थिंग में तो ये बेटा कलरलेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कलरलेस। ओके, तो इसका यूज जो है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, अब वहां पर भी क्या है, जैसे आपने देखा होगा सेंचुरी पेपर इतना ज्यादा व्हाइट कलर का कैसे बनाया जा सकता है, जबकि ये आप समझ सकते हैं कि ये पेपर जो होता है वो वुड से या वुड पल्प से बनता है। ठीक है, तो ये पल्प जो होती है इतनी ज्यादा व्हाइट नहीं होती, लेकिन पेपर इतना व्हाइट कैसे बन जाता है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, तभी वो कलर लेस बनाया जाता है और उसमें फिर व्हाइट कलर ऐड किया जाता है, तब कहीं जाके इतना अच्छा पेपर बनके तैयार होता है। ऐसे ही क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, क्लॉथ्स जो होते हैं जैसे कॉटन का क्लॉथ व्हाइट शर्ट आप पहन रहे हैं, तो व्हाइट शर्ट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉटन फाइबर से डायरेक्ट व्हाइट शर्ट बन गई होगी, नहीं, पहले उस फाइबर को क्या किया गया होगा, ब्लीचिंग किया गया होगा और इसके बाद व्हाइट कलर में कलर किया गया होगा, तब कहीं जाके उसका कलर जो है व्हाइट एकदम एक्यूरेट रहता है। ठीक है बेटा, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का हमारी डेली लाइफ में काफी यूज है।